इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ Redmi फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्ड कैसे इनेबल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं, उसके बाद इसे नीचे स्लाइड कर सिस्टम ऐप सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं, कॉल सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कॉल रिकॉर्डिंग या बाय डिफॉल्ट ऑफ किया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं और फिर रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली को इनेबल करते हैं। यहाँ पर दो तरह का सेटिंग दिया हुआ है, ऑल नंबर्स और दूसरा है सिलेक्टेड नंबर्स। अगर आप सभी नंबर से कॉल्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, और अगर आप कुछ नंबर्स के कॉल्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सिलेक्टेड नंबर्स पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया हुआ है, कस्टम लिस्ट पर क्लिक कर ऐड नंबर्स पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जिस नंबर्स के कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं उस नंबर को यहाँ ऐड कर कस्टम लिस्ट क्रिएट करते हैं। नंबर को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद टिक पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो नंबर ऐड हो चुका है, इसके बाद इसे बैक करते हैं। अगर आप सिर्फ अननोन नंबर के कॉल्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसे इनेबल करते हैं, इसे बैक करते हैं। और अब इस मोबाइल में ऑटो कॉल रिकॉर्ड इनेबल हो चुका है। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।